अब खबर बीकानेर से है। घेमना पी रोड पर खेत में बम मिलने का यह पूरा मामला है। आज सेना के जवानों ने बम को डिफ्यूज किया है। बम निरोधक दस्ता सेना के आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नाथ सीआई विक्रम सिंह चारण ने कहा कि जिंदा बम था, इसलिए सावधानी बरती गई और दूर वीरान इलाके में जाकर इसे डिफ्यूज किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। बीकानेर से खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि बम जिंदा था तो इस मामले में सावधानी बरती गई और दूर जाकर इस बम को डिफ्यूज किया गया। ये बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं। घेमना पी रोड पर खेत में बम मिला था, ये बम जिंदा था। आज सेना के जवानों ने इस बम को डिफ्यूज किया। दूर वीरान इलाकों में जाकर इसको डिफ्यूज किया गया। बम निरोधक दस्ता और सेना के आलाधिकारी मौके पर इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपके सामने। नाल सीआई विक्रम सिंह चारण ने कहा कि ये जिंदा बम था, इसीलिए सावधानी बरती गई और दूर वीरान इलाके में जाकर ये डिफ्यूज किया गया। सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली है? आखिर ये बम वहां पहुंचा कैसे, और चूंकि बम जिंदा था तो इसमें किस तरह से टीम ने सावधानी बरती और किस तरह से डिफ्यूज किया गया? देखिए ज्योति, एक दिन पहले ये जिंदा बम बरामद किया गया था नाल थाना इलाके में। दरअसल ये इलाका जो है एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पर सेना की अभी आवाजाही रहती है, तो उस दौरान कहीं ये ऐसा लगता है कि कहीं गिरा था, जिसके बाद इसको रखवा दिया गया था। इसके आसपास सैंड बैग्स रखवाए गए थे और जो टीम है बम निरोधक दस्ता उसको सूचित किया गया था। तो आज जो है सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बम निरोधक दस्ता पहुंचा और सीआई जो है विक्रम चरण मौजूद रहे और एक तेज धमाके के साथ, आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, वो देख के लगता है कि बम की जो पावर है वो ठीक ठाक थी। यदि ये बम कहीं किसी के अगर बच्चे खेलते हुए या कोई और किसी चीज से फटता तो निश्चित तौर पर जनहानि हो सकती थी, इसलिए सावधानी बरती गई और इसको वीरान जगह में ले जाकर जो है डिफ्यूज किया गया। तो अब बम को डिफ्यूज कर दिया गया है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है ज्योति। लक्ष्मण, लेकिन क्या सेना के जवानों ने इसको लेकर जांच पड़ताल शुरू की है कि आखिर बम जिंदा वहां मिला कैसे, कैसे वहां पहुंचा? देखिए ज्योति, दरअसल ये जो इलाका है यहाँ कोई ये नई बात नहीं है, बम मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ कई बार एक्सरसाइज होती है, बहुत सारे वो रहते हैं, बहुत पुराना बम था, ऐसा नहीं है कोई अभी का हो ये। तो ये कोई बीकानेर के लिए खासतौर पर इस इलाके में महानफील्ड फायरिंग रेंज नाल यहाँ कोई नई चीज नहीं है, कई बार ऐसे जिंदा बम मिल जाते हैं जिनको डिफ्यूज किया जाता है। जी लक्ष्मण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।